नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। पंचकुला में पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन और कालका के विधायक प्रदीप चौधरी ने कहा कि आज हमारे लिए एक महान दिवस है, हमें देश की दो महान विभूतियों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज जहां पूर्व प्रधानमंत्री और आयरन लेडी भारत रत्न इंदिरा गांधी की 37वीं पुण्यतिथि है, वहीं देश के पहले उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जन्म जयंती भी है। पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन आज विश्नोई भवन में इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। इंदिरा गांधी की दूरदर्शिता, कुशल और सक्षम नेतृत्व ने देश को एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाया। ये इंदिरा गांधी का सक्षम नेतृत्व ही था जिसने सन 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े करके एक नया देश बांग्लादेश बना दिया। विश्व के सारे देश उनके नेतृत्व को एक करिश्माई समझते थे और यही कारण है कि भारत की विदेश नीति के सभी कायल थे। उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन देश की आन बान और शान पर कभी भी आंच नहीं आने दी। देश प्रेम का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले आखिरी भाषण में कहा था कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी अस्थियों को सारे देश में फैला देना, ताकि देश की एकता और अखंडता संप्रभुता को अक्षुण बनाए रखा जा सके। आज सारे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जा रहा है, जो देश को एकता के सूत्र में बांधने का एकमात्र मूल मंत्र है। पंचकुला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।